ओम शांति। एक व्यापारी था, उसकी चार पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। अपनी तीसरी पत्नी को वह अपने मित्रों से बड़े गर्व से मिलाता, लेकिन व्यापारी को डर था कि कहीं वह उसे छोड़ नहीं जाए। उसे अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत लगाव था। जब भी व्यापारी को कोई समस्या होती तो वह अपनी दूसरी पत्नी की ओर ही देखता था। वह उसकी पूरी मदद करती थी और मुसीबत से बाहर भी निकाल लेती थी। लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल नहीं चाहता था, जबकि वह उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। मुश्किल के दिनों में उसने व्यापारी का बहुत साथ दिया। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया और पूरी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद से कहा, पूरी जिंदगी मेरे साथ चार पत्नियां रही, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेले ही। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने साफ मना करते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे मरने के एक पल बाद भी तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। व्यापारी को उसकी यह बात बहुत चुभ गई और वह बहुत दुखी हो गया कि सबसे ज्यादा प्यार मैंने इसको ही किया और सबसे ज्यादा समय इसको ही सजाने संवारने में खर्च कर दिया, पर आज वह मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। दुखी मन से उसने यही बात अपनी तीसरी पत्नी से पूछी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, कभी नहीं, मैं यहां बहुत सुखी हूं, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। यह सुनकर व्यापारी का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैंने जरूरत के वक्त हमेशा तुम्हें याद किया और तुमने हमेशा मेरी मदद की है। आज मैं तुमसे फिर मदद चाहता हूं, जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ केवल शमशान घाट तक दे सकती हूं, उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगी। यह सुनकर तो व्यापारी पूरी तरह टूट गया। तभी एक आवाज आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम जहां जहां जाओगे वहां तुम्हारे साथ रहूंगी। व्यापारी ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारी ओर देखा ही नहीं, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे सबसे अधिक तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। दरअसल हमारी जिंदगी में चार पत्नियां हैं, चौथी पत्नी है
हमारा शरीर, जिस पर हम सबसे ज्यादा समय देते हैं, हमारे जीवन का सबसे ज्यादा समय खर्च करते हैं। इसे स्वस्थ तथा सुंदर बनाने के लिए हम इसे कितना भी सजा लें, हमारे मरते ही यह हमारा साथ छोड़ देता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है। जब हम मरते हैं तो वह दूसरों की हो जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे जीते जी चाहे कितने भी नजदीक क्यों ना हो, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद वे केवल शमशान तक ही साथ जाते हैं, फिर लौट जाते हैं। और हमारी पहली पत्नी है हमारे संस्कार, जिसकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते, अपने दौलत और झूठी शान की खातिर नजरअंदाज करते रहते हैं, जबकि यही हमारे साथ हमेशा रहती है। हम जहां जहां जाते हैं हमारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों पर सबसे अधिक ध्यान दें और इसको दिव्य बनाने का प्रयास करें, नहीं तो मरते समय हमें इस बात के लिए बहुत पछताना पड़ेगा। तो सदा यही स्मृति रखना है कि मेरे साथ क्या जाने वाला है, मैं अपने साथ क्या ले जाऊंगा, तो वह कैसा होगा। तो अभी जो हम अंत समय में अपने स्वभाव संस्कार को बनाते हैं, वही स्वभाव संस्कार हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की दिव्य शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ सदा होते हैं। तो हमें अपने मन और बुद्धि को और अपने संस्कारों को ऐसा पवित्र, पावन, शुद्ध, स्वच्छ बना लेना है कि हम जब इस देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण करें, तो हमारे शुद्ध, साफ, स्वच्छ, पवित्र संस्कार हमारे साथ रहें और हमें मिलने वाला अगला जन्म भी उन्हीं स्वभाव संस्कारों के अनुसार प्राप्त हो। क्योंकि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल काटना पड़ता है। तो अभी एक सेकेंड बिना वेस्ट गवाए अपने स्वभाव संस्कार को शुद्ध व पवित्र बना लेना ही सर्वप्रथम सुख शांति का आधार है। अच्छा, ओम शांति।